हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बायोलॉजी विलेज। टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क, जिसमें हम स्टडी करेंगे दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व्स, और इसके साथ हम पढ़ेंगे दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो इसी का पार्ट हैं, ठीक है, दैट आर इंक्लूडेड इन दी DTR दुधवा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग लेते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है, वो किस कैटेगरी में आता है। तो ऑलरेडी मैं इस पर एक पूरा लेक्चर बना चुका हूँ कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से टर्म्स दूसरे हैं, जैसे कि नेशनल पार्क तो होता ही है जो हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, नाइट सफारी एंड सफारी, ठीक है। इस तरीके से कुछ और भी टर्म्स होते हैं, तो एक थोड़ा सा ब्रीफिंग लेते हैं। पहले प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर जस्ट लाइक दी बायोजोग्राफिकल एरियाज़ या इकोलॉजिकल एरियाज़, ठीक है, जिनका टारगेट होता है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना थ्रू लीगल मेजर्स, मतलब गवर्नमेंटली रूल्स होने चाहिए मेजर करने के लिए, ठीक है। अब इनमें तीन टर्म बहुत कॉमन है, वैसे तो मैंने आपको पांच टर्म बताए हैं, नेशनल पार्क के बाद टाइगर रिजर्व और सफारी एंड नाइट सफारी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, तो उसमें नेशनल पार्क जो हमारा आज का टॉपिक है दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क। तो हम पहले नेशनल पार्क को समझते हैं कि इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, इसका आइडिया कहाँ से आया, ठीक है, और इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, इन सब के बारे में एक बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीफिंग देखते हैं कि नेशनल पार्क एक्चुअली होता क्या है, इसका मेन जो टारगेट है वो किस चीज़ को कंजर्व या प्रिजर्व करना होता है। तो देखिए, नेशनल पार्क का सबसे कंप्लीट इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज होता है उसे नेशनल पार्क कहा जाता है। अब कंप्लीट इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ऑलरेडी लेक्चर बन चुका है, आप उस पर देख सकते हैं पूरा, मैं दोबारा एक बार ब्रीफिंग दे रहा हूँ, तो इसे देखें आप लोग। इकोसिस्टम का डेफिनेशन, जैसे आप इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी का मतलब कि इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी डेफिनेशन जो हमारे इंडियन फादर थे RD मिश्रा सर ने जो दी थी कि स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, सबसे सिंपली डेफिनेशन थी। तो अब इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और इन्हें प्रभावित करने वाले जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन सबका अगर हम एक असेंबली के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएं तो वो हम इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि कम्प्लीटली इकोसिस्टम को हम कंजर्व करते हैं, वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, वो एरिया जो है नेशनल पार्क कहलाता है, ठीक है। अब नेशनल पार्क की जो गाइडलाइंस है वो किसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन दिया जाता है, एक रूल है इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंतर्गत हम नेशनल पार्क को प्रोटेक्शन देते हैं। अब बात आती कितने प्रोटेक्शन पार्क हैं इंडिया में, 105 मतलब 105, ठीक है, और जो टोटल एरिया का हमारा 1.23% कवर करते हैं। अच्छा, कुछ एक और बातें जो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसे देख लीजिए कि नेशनल पार्क में जो कल्टिवेशन की बात करते हैं, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, हैबिटेट मैनिपुलेशन, इस तरीके की सभी एक्टिविटी जो होती हैं वो बैन होती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से नॉट अलाउड, पर ये ध्यान रखें। दूसरी बात है कि सबसे पहले इसका जो आइडिया था वो एक पेंटर थे जॉर्ज कैटलिन, उन्होंने दिया था, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट कि इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ तो 1935 में सबसे पहला एक बना था फुट ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय की जो तलहटी है उसमें, जिसका नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ ब्रिटेन रूल कर रहे थे, ठीक है। तो आज हमने इसका नाम चेंज करके रख दिया कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें जो होता है नेशनल पार्क के बाद जो प्रोटेक्टेड एरिया आ जाता है इंपॉर्टेंट, वो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। अब देखिए, वहाँ पे इकोसिस्टम को हमने पूरा प्रोटेक्ट किया था, यहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसे ध्यान रखें, वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ क्या है, देखिए वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वाइल्ड मतलब जंगल, और लाइफ का मतलब वहाँ पे जितने भी एरिया प्लांट आ गए उसमें आपके, और आपके उसमें प्लांट के बाद एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो वाइल्ड लाइफ होती है। और वाइल्ड का मतलब जो दो, एक होते हैं डोमेस्टिक और दूसरे होते हैं इन्हीं के जो एक मॉडिफाइड वर्जन से, इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं या इनके जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं वो वाइल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें प्रोटेक्ट करना, मतलब यहाँ पे फैक्टर्स की हम बात नहीं करेंगे, आप ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अब एक रूल है कि जब हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे तो इनके इकोलॉजिकल फैक्टर को भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, बट एज पर रूल कि टारगेट क्या है वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करना, कैसे करके मेंटेन करा जाएगा, तो यहाँ पे हम फूड चेन का बहुत ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में टाइगर को हमने रखा हुआ है तो हम उसका जो फूड मटेरियल है जैसे कि डियर उसे भी रखा जाएगा, कि हम उन दोनों लाइफ को प्रोटेक्ट करें विदाउट डिस्टर्बिंग दी फूड चेन,
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि फूड चेन को बिना प्रभावित किए हुए हम उन दोनों एनिमल्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सेंचुरी मीन्स होता है प्लेस वेयर टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिज्म लिव देयर विच आर रिलेटेड विद ईच अदर एज पर फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर एंड डियर प्लेस टूगेदर, दैट इज एरिया वेयर वी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ विदाउट डिस्टर्बिंग नेचुरल फूड चेन। ठीक है, कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोका वाज द फर्स्ट एम्परर या रूलर था इंडिया में जिसने इस तरीके का एक प्रोग्राम चलाया था, ठीक है, टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, अब इंडिया में कितनी है इस टाइम, 543, 453, और कितना एरिया कवर करती है, 3.62% ऑफ टोटल इंडिया एरिया। ठीक है, थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिन्हें हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ये बहुत लार्ज एरिया जो होते हैं तभी इनका नंबर जो है कितना है, 18 है, सबसे कम देखिए। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट देखें, बायोस्फीयर रिजर्व में रियली होता क्या है। देखिए, पहले इकोसिस्टम को कंजर्व करा था नेशनल पार्क में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करा था वाइल्ड लाइफ को, अब हम बायोस्फीयर में रिजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब उससे भी थोड़ा सा हम नीचे आ गए, यहाँ पर जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है, प्लांट की वैरायटी, एनिमल की ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, उन सबको हमें कंजर्व करना है। ठीक है, अच्छा, और किस तरीके से करना है ये इम्पॉर्टेंट, बाई मेकिंग सर्कल्स, उन्हीं सर्कल्स को हमने क्या बोला है, स्फीयर्स। ठीक है, तो इस तरीके का जहाँ डायग्राम आपको दिखे, देखिए ये वाला, तो आप समझिए कि यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हो रही है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में तीन तरीके की प्रोडक्शन हम आइडिया देते हैं, सबसे अंदर की तरफ कोर जोन होता है, उसके बाद बफर जोन होता है, उसके बाद ट्रांजिशन जोन होता है। इस ट्रांजिशन जोन में जो है ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल है। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल देखिए, इंडिया, ये प्रोग्राम इंडिया का नहीं है, ये प्रोग्राम जो है यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम बोलते हैं यूनेस्को। ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था 1986 में जिसका नाम था MAB, फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर, उसके अंतर्गत ये जो एरियाज थे वो बनाए गए थे। तो इंडिया ने भी उसी दौरान, क्योंकि यूएन का डायरेक्शन था, तो उसी टाइम इन्होंने 1986 में नीलगिरी में पहला अपना जो था बायोस्फीयर रिजर्व मेंटेन किया था इंडिया ने। ठीक है, और ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं फॉर मीन फॉर प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ ट्रैवल्स एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्सेज। आप बात को समझें, जेनेटिक रिसोर्सेज की बात यहाँ पे आई है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी, इसी से बायोडाइवर्सिटी का मेन मकसद ये होता है कि टू कंजर्व दी जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि जो हम वीट आजकल डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, ट्रेटिकम एस्टिवम, इसमें दिन पर दिन क्वालिटी, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूट्रिशन, वो वीक होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इन फ्यूचर में क्या करेंगे हम, इनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनसे कुछ अच्छी क्वालिटी के जीन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग हम अपने डोमेस्टिकेटेड वीट में इंसर्ट कर देंगे। इसलिए जो है हमारा जेनेटिक रिसोर्सेज को मेंटेन करना थ्रू दी मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो हम करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू। इनका नंबर इंडिया में कितना है, 18। ठीक है, इसके बाद हम अपने बात करते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं। कोर एरिया जो होता है उसमें किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो कम्प्लीटली बैंड होती है। इसके बाद बफर जोन आता है, वहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। ठीक है, जैसे कि जो ट्राइबल्स हैं उन्हीं के लिए, हमारे लिए नहीं। जैसे कि वो महुआ बीनने चले जाएँ, वहाँ पर लकड़ी वगैरह का कलेक्शन होता है, कटरुआ निकलता है वहाँ पर, उसे वो अपनी जीविका के लिए ला सकते हैं और पर मार्केट में सेल कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों के नहीं। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजिशन जोन है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो है हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर्स, ठीक है, काम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को अगर यहाँ पर कोई माइनिंग वगैरह कराना है तो वो अंडर दी NGT जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके थ्रू परमिशन लेके वहाँ पे वो माइनिंग वगैरह करवा सकती है। ठीक है, बट शर्त ये है कि इकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी। अब इसके बाद एक नया टर्म्स आता है, टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नेशनल पार्क को, बायोस्फीयर रिजर्व को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डायरेक्टली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है। बट मोस्टली किस में होता है क्या है कि हम नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर करेंगे, और हम ये चीज़ आपको नीचे दुधवा, जब नेशनल टाइगर रिजर्व जो आपका टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ आपको दिखाई देगी कि किसी को एक सिस्टमेटिक तरीके से नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के बाद टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर डायरेक्टली टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, इट इज़ नॉट ए फैक्ट। तो टाइगर रिजर्व का थोड़ा सा देख लें कि टाइगर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट था 1973 में आया था ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, और इसका मेन मकसद था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया, जो बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहे थे, उसे वो करने के लिए इन्होंने करा था। ठीक है, तो किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, बायोस्फीयर रिजर्व को, नेशनल पार्क को हम स्पेसिफाई कर दें कि नाउ इट इज़ स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर, एलिफेंट। टाइगर के लिए कर दिया तो वो टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट के लिए करेंगे तो एलिफेंट रिजर्व हो गया, क्रोकोडाइल के लिए कर देंगे तो क्रोकोडाइल रिजर्व कहलाएगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क का
कॉन्सेप्ट समझ गए। इसके बाद एक दो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सफारी एंड नॉट सफारी का, तो इसे आप देखिए, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे आज के टाइम में व्हीकल्स, गाइड, कैमरा, ठीक है, इन सब चीज़ों का व्यवस्था गवर्नमेंट के थ्रू जो वहाँ पे अथॉरिटी है वो करे, और जो हम विजिटर्स हैं उन्हें उसका चार्ज पड़े और वो वहाँ पे रोमिंग एनिमल्स को देख सकें, तो उसे बोलते हैं सफारी। बट इस अर्थ है कि ये इसका साइज़ जो होता है नॉर्मल जू की तरह नहीं होता, इससे बड़ा होता है। सेम यही काम अगर हम रात में करें नाइट सफारी के लिए, तो नाइट कैमरा विजन जो कैमरा होते हैं सर्च लाइट का, अगर गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वहाँ की वो मेंटेनेंस करे फॉर द विजिटर, तो इट इज़ नाउ नोन एज नाइट सफारी। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो का हमारा टॉपिक है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें एक तो कन्फ्यूजन ये दूर होगा कि नेशनल पार्क क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होता है। हम आपको बता चुके हैं टाइगर रिजर्व एक फोर्थ ग्रेड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क। अब आपको ये भी मालूम चल जाएगा नेशनल पार्क पहले आएगा या टाइगर रिजर्व पहले आएगा, और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इनका क्या संबंध है, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इस टॉपिक का क्या संबंध है। तो सबसे पहले इसका स्टडी करते हैं हम सिस्टमेटिक तरीके से, कि जैसे क्वेश्चन आते हैं स्टेट ऑफ लोकेशन कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बात करते हैं जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है, इसके दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, लखीमपुर खीरी एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा एरिया, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है, मतलब तीनों चीज़ें बात करेंगे। पहले इसका कंपोजिशन देख लें, सबसे बड़ा टर्म इसमें क्या है इसे पहले आप समझें, तो आपका ये जो समझने में थोड़ा आसानी होगी। देखिए इस सेंटेंस को देखें, DTR मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसमें आपका दुधवा नेशनल पार्क भी आ जाएगा, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएगी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएगी। तो आपको आइडिया आएगा हम DTR की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका ये दो डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे, लखीमपुर खीरी एंड बहराइच, ठीक है, ये दोनों जो है नॉर्थ यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो तराई बेल्ट है हिमालय की उसमें जो मार्सी ग्रास लैंड, ठीक है, उसे कवर करने वाला एरिया है। और सबसे पहले इस रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल पार्क में इसका किसमें कंट्रीब्यूशन है, तो अनटायरिंग एफर्ट एक वो हुए यहाँ के, ठीक है, बहुत बड़े कंजर्वेशनिस्ट थे जिनका नाम था बिली अर्जुन सिंह, उनके अनटायरिंग एफर्ट से इन्होंने एक सबसे पहले क्या एस्टेब्लिश करा था, दुधवा सेंचुरी बनाई थी स्पेसिफिकली फॉर स्वैंप डीर के लिए, ठीक है। बाद में इसकी ग्रोथ होते हुए नेशनल पार्क बना, और नेशनल पार्क के बाद ये फिर टाइगर रिजर्व बन गया। इसका बेस्ट टाइम जो है फरवरी टू अप्रैल है, अगर हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ रिवर्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन कौन सी रिवर्स इसमें होती हैं, तो इसमें पांच रिवर का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सोहेली रिवर और मोहाना रिवर्स, ठीक है, और इसके बाद शारदा रिवर भी इसका पार्ट है, और एक गेरेवा रिवर्स, ये चार रिवर जो हैं पार्ट होती हैं घाघरा रिवर्स की, इसी की मतलब इस थोड़ी छोटी सी कैनाल जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, ये वो हैं चारों। अब इसका एक आइडिया और भी ले सकते हैं कैसे कैसे करके इसमें हैं, तो आप देखें पूरा एरिया जो है इसका 490 किलोमीटर स्क्वायर है DTR का। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हॉट जिन्हें हमने रखा है, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग के बारे में, तो इट इज़ ऑनली प्लेस इन यूपी, यूपी में और भी टाइगर रिजर्व और भी नेशनल पार्क है, मगर एक ऐसा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है जहाँ टाइगर और राइनोसरास दोनों एक साथ रहते हैं, इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका है कि यहाँ पे जो था 2019 नवंबर में एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था एलिफेंट सफारी से बोला गया था, मगर बाद में उसे बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें जो एक मेल जो टाइगर मेल जो एलिफेंट था उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, उन्हें राइडर्स पे ही अटैक कर दिया था, ठीक है, तो इसे रोकना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली जो इनडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, कुछ ऑब्लिगेट स्पीसीज़ ऑफ टाल वेट ग्रास लैंड और स्पीसीज़ ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत ही कम जगह पाई जाती हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके के एनिमल, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं वाइट रैम्प्ड रप्चर्स का, हम इसका नीचे डायग्राम भी लगाया आप देखेंगे इसे वो क्या होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है DTR रिप्रेजेंटिंग द करेक्टरिस्टिक तराई इकोसिस्टम, ठीक है, तराई इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तीन तरीके के इकोसिस्टम इसमें आएंगे, ठीक है, एक तराई इकोसिस्टम इसमें जो मेजॉरिटी है सबसे बड़ा इकोसिस्टम है इसका तराई का इकोसिस्टम। इसके बाद में सम रेयर स्पीसीज जैसे हिस्पिड हेयर, इसका भी डायग्राम मैंने नीचे लगाया है, वो एक बार ये सोचा गया था कि शायद खत्म हो गया, बट इस नेशनल पार्क में वो 1984 में फिर से डिस्कवर्ड हुआ, मतलब देखा गया, ठीक है। और कुछ यहाँ पे राइनोस राज जो थे इंडिया में लाए गए नेपाल से और आसाम से, वो इस DTR में दोबारा इंट्रोड्यूस करे गए थे 1984 में, तो वो आसाम की प्रोबिट्रा जो सेंचुरी है पोबिटोरा, ठीक है, वहाँ से लाए गए थे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अंदर एक DTR में एक ताल भी है जिसे हम बाकी का ताल बोलते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना, एक लेक है वो। अच्छा, DTR एक रिच बर्ड लाइफ, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हमें देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे जो फेमस चीज़ है जो एक मतलब कंडीशन में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है बेंगाल
फ्लोरिकेन, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है वो देखा जाता है। अभी हम इसका आपको डायग्राम भी नीचे दिखाएंगे। अच्छा, दूसरा है कि ग्रासलैंड जो है पूरे इकोसिस्टम जो हमारा DTR है उसका 19% में ग्रासलैंड है। अच्छा, कुछ मेजर यहाँ पे जो वेटलैंड भी हैं, जो अगर हम इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थर्ड कैटेगरी में आपके वेटलैंड्स आएंगे। ठीक है, वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड एक टाइप का मार्सी एरिया होता है। अभी पूरा इस पर वीडियो बनाने का मेरा पूरा प्लान है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी वेटलैंड बस मार्सी एरिया। तो थर्ड हैबिटेट, मेजर हैबिटेट, पहला फॉरेस्ट है, दूसरा तराई हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? वेटलैंड्स हो गया। ठीक है, अब इस वेटलैंड में क्या क्या किसके थ्रू बना है? रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं एंड मार्सेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो फ्लोरा है वो क्या है स्पेशली, तो इसमें साल के ट्रे हैं। ठीक है, साल का समझते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है जिसके स्पेशली टिम्बर के लिए, और जो फॉरेस्ट इसके हैं वो सेमी एवरग्रीन और डेसीडुअस फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसीडुअस टाइप के फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अब इसका इस्टेब्लिशमेंट हम देखते हैं, थोड़ा इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे मैंने बताया ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1958 में डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद 1977 में ये नेशनल पार्क बना, और जबकि कॉन्सेप्ट टाइगर रिजर्व 73 में आया है। ठीक है, मगर उस टाइम इसे एकदम इंक्लूड नहीं करा था टाइगर रिजर्व में। फिर उसके दो साल, जब नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया उसके दो साल के बाद 1979 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि सिस्टम होता है कि पहले कोई अगर एरियाज है ऑफ ग्रेट इकोलॉजी या इंटरनेशनल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का, तो सबसे पहले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद वो नेशनल पार्क में कन्वर्ट होता है, एंड देन अगर वहाँ पे टाइगर वगैरह की पॉपुलेशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए अगर स्पेशल हैबिटेट और देखते हैं कि कंडीशन ठीक है या टाइगर जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो टाइगर रिजर्व बन दिया है। टाइगर रिजर्व बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रेडिंग करें कि प्रोटेक्शन या गवर्नमेंट के रूल कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, तो टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, वैसे नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एरिया होता है। तो इसके साथ सब अब आता है दो इंपॉर्टेंट बातें, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से आते हैं कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो वो भी लखीमपुर खीरी में है, और एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ठीक है, तो वो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, और इसी का पार्ट है, DTR में आ जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है DTR का पार्ट है। DTR मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व्स, और दुधवा नेशनल पार्क भी उसका पार्ट है। ठीक है, तो एक जो किशनपुर थी 1972 में बनी थी, और कतरनिया घाट जो बनी 1987 में। ठीक है, तो बहराइच में इसका मेजर पार्ट आता है। अच्छा, इस एरिया में जो नोटिसबल बर्ड है वो कौन से हैं आपको ये देखना है। तो जो मार्सी लैंड है यहाँ का, तो वो एक अच्छा मतलब बहुत बेहतर हैबिटेट है रहने के प्लेस, जिन के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, स्पेशली स्वैम्प फ्रैंकलिन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। उसके बाद बंगाल फ्लोरिकेन, बंगाल फ्लोरिकेन को हम आपको दिखा दें, आगे भी आया था, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकेन ये होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें आप लोग इसके बारे में, पेंटेड स्टॉर्क ये आपको दिख जाएगा, ये वाला इसके पेंट यहाँ पे किया होता है इसके लास्ट पे। अच्छा, सारस क्रेन आपका ये डायग्राम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एशियन बारबेट ये वाला होता है, और लास्ट में मिनबेट्स। ठीक है, स्मॉल सी बर्ड्स होती हैं, तो ये यहाँ पे बहुत बहुत आयात में मतलब पाई जाती हैं। इसके बाद इस टाइगर रिजर्व में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, देखिए जैसे वाइट रम्ड वल्चर पहले भी आया था, ये जो है इसे ओल्ड वर्ल्ड वल्चर भी बोला जाता है, और एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो लिस्ट है IUCN की उसमें इंक्लूडेड है इस टाइम। इसके बाद हिस्पिड हेयर, जिसे हम आसाम रैबिट भी बोलते हैं, ये जो है इंडेंजर्ड है, और आल्सो इंक्लूडेड इन दी साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो रिलेटेड टू दी कंजर्वेशन ऑफ दीज इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड टाइप के एनिमल्स, और इनके पार्ट्स की जो बिक्री होती है, जो सेल होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसे कंट्रोल करने के लिए इसका फॉर्मेशन या इस्टेब्लिशमेंट किया गया था साइट्स का। ठीक है, मैं इतना आईडिया देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद होता है बंगाल फ्लोरिकेन, मैंने बताया था आगे पहले आया था ये, तो इसे बंगाल बस्टर्ड बोलते हैं, और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये DTR में बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, इनके लिए बहुत ही स्पेशल हैबिटेट है जो यहाँ का मार्सी लैंड है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आपका ये DTR का टॉपिक कंप्लीट है। कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।